चंदोसी के मुरादाबाद चंदोसी मार्ग स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल के समीप मेहता फैक्ट्री में आज आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। आग इतनी जबरदस्त थी कि फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। चंदोसी मुरादाबाद मार्ग स्थित सेक्रेट हार्ट स्कूल के समीप सुभाष रोड निवासी अंकुर अग्रवाल की मेहता फैक्ट्री है। बताते कि आज रहस्यमय ढंग से फैक्ट्री में आग लग गई। अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि गैस के सिलेंडर से तेल गर्म किया जा रहा था, तभी अचानक आग लग गई। जबकि फैक्ट्री के कर्मचारियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग कैसे लगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन बताते चलें कि कुछ समय पूर्व भी चंदोसी की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसमें दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए थे और एक कर्मचारी की मौत भी हुई थी। इन घटनाओं से स्थानीय प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। यदि समय रहते और मौके पर फायर ब्रिगेड न पहुंचती तो कई जाने जा सकती थी। मुरादाबाद रोड पर आशीष एक्सपोर्ट्स के नाम से मेंथा की फर्म है, तो हमें लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि इसमें आग की सूचना है। तुरंत ही फायर की गाड़ी को रवाना किया गया और मौके पर आकर देखा गया। फैक्ट्री के सबसे पीछे वाले हिस्से में, जिसमें तेल से गोल्ड या फ्लैग बनाया जाता है जमाकर फ्रिज में, उसमें आग की सूचना थी। तत्काल फायर स्टेशन से 2 गाड़ियों को यहाँ बुलाकर आग बुझाई गई और आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है और आग लगने का कारण मालिकों द्वारा ये बताया गया कि उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हुए हैं जो तेल को पहुंचाते हैं अंदर फ्रिज के अंदर, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्षति का आकलन अभी उनसे बात करके तो बाद में बताया, फिलहाल अभी क्षति का आकलन कोई नहीं हुआ, जनहानि कोई नहीं है और फायर सर्विस द्वारा बहुत तेज गति से इस पर कार्य किया गया, जिससे मतलब पूरे प्लांट को बचा लिया गया। कितनी देर में आग बुझाई गई? आग बुझाने में लगभग हमको जो कंट्रोल करने में लगभग 10-15 मिनट लगे और आग बुझाने में पूरा टाइम लगभग आधा फोन 45 मिनट टाइम लगा। पूरा उसको मतलब कूलिंग ऑफ भी किया गया, बाद में जो उसके ड्रम थे या दूसरे फ्रिज थे उनको ठंडा भी किया गया है, क्योंकि अंदर तेल था वो काफ़ी गर्म था, तो वो उससे मतलब भाप बन के फट ना जाए तो उसको भी ठंडा किया गया। और फिलहाल एहतियात के तौर पर जो फैक्ट्री का जो तेल है उनके अंदर फ्रिज के अंदर, उसको बाहर निकाल रहे हैं वो लोग, तो एहतियात तौर पर हम भी आधा 15 मिनट और खड़े रहेंगे।